बारह प्यास जिससे जितना बन पाए रोज करना। जितना बन पाए चाहे आधा करो चाहे पूरा करो, अब कुछ तो इसमें एक्टिंग ही करते रहते। ऐसे नहीं, थोड़ा ठीक से कर लो। दोनों हाथ ऐसे देखो सामने से, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे करते, ऐसे नहीं ऐसे। जितना बन पाए पांच पांच दस दस बार एक एक अभ्यास ऐसे, फिर क्रॉस करके बोले समझे आप गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनते? हमारे भीतर से हम गर्मी पैदा कर लेते हैं, शक्ति पैदा कर लेते हैं। भीतर है शक्ति, भीतर है गर्मी, भगवान, ज्ञान, भीतर है दवाइयां, भीतर है सुख शांति आनंद भगवान, भीतर है सारा। ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का मंथन हो रहा है। तो ये तो व्यायाम का पैकेज हुआ, ठीक। अब मोटापा का पूरा पैकेज। मोटापा के लिए कितने अभ्यास हैं? मूल बारह अभ्यास है, फिर प्राणायाम तो है ही। दो विश्राम के लिए मरकटासन सवासन करा देते हैं। मोटापा के लिए बारह अभ्यास सबको पता होना चाहिए। तो रोगानुसार योग, थेरेपिटिक योग, डिजीज के अकॉर्डिंग योग, एडवांस योग। कोहनियाँ सीधी ऐसे साइड में, पहले धीरे धीरे बाद में तेजी से 25 से 50 बार एक एक अभ्यास करा देते, दो तीन राउंड इसके। तिर्यक्ताड़ासन, फिर त्रिकोणासन ऐसे, फिर कोणासन। एक एक अभ्यास को ऐसे 10, 20, 25, 50 बार धीरे धीरे बढ़ाना। फिर दोनों पैर पास में, पादहस्तासन। फिर बैठ जाओ चक्की आसन, गोल गोल घुमाओ। ये तो बहुत इजी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मोटे भाई बहनों को 25-50 बार ये सब करा दो,
सुबह उठ के गोमूत्र कर्क पिला दो, फिर मेदोहर बटी खिला दो, दिन में अपना मल्टीग्रेन दलिया पुष्टाहार दलिया है वो खिलाओ, और बोलो कुछ दिन के लिए नमक मीठा घी बंद कर दो, नमक मीठा घी बंद, और हो सके तो अश्वगंधा के पत्ते भी खिला दो तीन तीन सुबह दोपहर शाम। एक महीने में 15 से 20 किलो कम, कितना? एक महीना तो तपस्या कर सकते हैं है? नवरात्र में उपवास करते हैं, 1 किलो नहीं घटने देते, उपवास के समय सारे माल ठोकते रहते हैं अंदर, व्यंजन चेंज हो गए, रेसिपी में क्या आ गया, सूजे के हलवे की जगह कुट्टू का हलवा, सिंघाड़े का हलवा और शकरकंद का हलवा, आलू का हलवा, कुट्टू की पूड़ी, फिर तो उपवास करने से क्या मतलब हुआ भाई है? स्थित कोण आसन, सभी अनाज बंद, कोई ग्रेन नहीं, फिर क्या खाओ? शाक सब्जी फल बहुत कुछ है खाने के लिए, आगे झुको ऐसे, आगे झुकना पीछे आना, और जो पीछे पूरा जा सके तो पीछे पूरा ऐसे चले जा, पूरा आना, ऐसे, फिर उल्टे लेट करके खड़े होके 4, बैठ के 3, उल्टे लेट के 2, कितने हो गए? 4, 3, 7 और 2, 9 हो जाएंगे, सीधे लेट के फिर 3, 12 मूल अभ्यास, मोटापा के लिए करो सब, बहुत जरूरी है, बॉडी के बैलेंस के लिए भी, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी जरूरी है। ऐसे 5 से 10 बार से लेकर के 25-50 बार धीरे धीरे समय बढ़ाना इसका, फिर ये दूसरा अभ्यास भुजंगासन का। देखो एक बहुत बड़ी बात कह रहा, आदमी ठान ले तो क्या नहीं हो सकता, इसको कहते संकल्प, क्या कहते बोलो इसको, मैं थोड़ा और परिष्कृत शब्दों में कह रहा हूं, विकल्प रहित संकल्प, बोलो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ठान लिया मुझे पतला होना है, मुझे मोटापे का खात्मा करना है, बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस हेपेटाइटिस कोलाइटिस ब्रोंकाइटिस कैंसर जो मौत का पर्याय बन चुका है इसको भी मुझे मात देना है, मुझे कैंसर की मौत की भी मौत करनी है, ऐसा ठान ले और सुबह शाम योगाभ्यास करें, मैंने लोगों का 1-1 क्विंटल वजन घटाया है, कितना? बोला आदमी बाबू जी थे कितने किलो के? 1 तो था 2.5 क्विंटल का, 1-1 पैर को पीछे से उठाओ, भुजंगासन और ये सलभासन 1-1 को अथवा दोनों पैरों को ऐसे उठाना, नीचे लेके आना, दोनों को या 1-1 से ऐसे करना, फिर सीधे लेटना। देखो मैंने प्रारंभ में ही कहा था, हम यहाँ जो बात कह रहे हैं, सीधे लेट करके 1-1 पैर को या दोनों पैरों को उठाना नीचे लेके आना, इसको अर्धालासन कहते हैं, करते रहो सब। लगभग आधे भारत में बरसात हो रही थी, ठिठुर रहे हैं लोग, और यहां पसीना ही नहीं सूख रहा, योग में बड़ी गर्मी है, बड़ी ताकत है। देखो 1-1 पैर को दोनों पैरों को ऊपर उठाया नीचे लेके आए, 5-10 बार ऐसे करना, फिर बड़ा शून्य बनाना, गोलाई में घुमाना, पाद वृत्तासन। जो भी मोटे मोटे भाई बहन है ठान ले और सुबह शाम 100-100 बार करना शुरू कर दें 1-1 अभ्यास को। कितनी बार? 100-100 बार, एक बार में तो होगा नहीं,
तो 25-25 बार करके एक राउंड किया, दो राउंड किए, तीन राउंड किए, पूरा 25 होने के बाद फिर थोड़ा शवासन कर लिया। मरकटासन और शवासन रिलैक्सेशन के लिए अंत में करवाएंगे हम। एक दो तीन राउंड सुबह किए, तीन चार राउंड शाम को किए, हो गया 100-100 बार। और 3 महीने के अंदर ही 40-50 किलो वजन कम हो जाएगा। कितने महीने में? 3 महीने में। नहीं तो वजन ज्यादा बढ़ने से बहुत प्रॉब्लम आती है, कई बार तो परिवार टूट जाते हैं। पत्नी मोटी हो गई, पति ने छोड़ दी, तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया, पति मोटा हो गया, पत्नी 50 किलो की और पत्नी पति 1.5 क्विंटल का, एकदम मस्टंडा भैंसे जैसा, मतलब जो बहुत वजन बढ़ जाता है ना, बहुत बेकार लगते हैं आदमी, न चला ठीक से जाता, न उठा बैठा ठीक से जाता, बड़ा शून्य बनाओ एक एक पैर से या दोनों पैरों से, बाथरूम में भी सीधे सीधे नहीं घुस सकते, बहुत जगह सकड़े सकड़े बाथरूम होते हैं, उनमें मतलब साइड पोज लेके भीतर घुसना पड़ता है, फ्लाइट में भी डबल टिकट करानी पड़ती है, एक उस पर आते ही नहीं समाते ही नहीं भाई साहब, साइकिलिंग। बात मोटापा की नहीं है, मोटापा से होता है कैंसर। क्या होता है बोलो? बोलो बाबा जी क्यों डरा रहे हो? मैं डरा नहीं रहा हूं, तुम्हें हकीकत बता रहा हूं, कैंसर होता है, हार्ट अटैक होता है मोटापे से, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, मोटापे से शुगर भी होता है, मोटापे से डिप्रेशन भी होता है। अब बहुतों को तो मेरी बातें सुन सुन के डिप्रेशन हो रहा होगा, स्वामी जी आप मोटापे पे इतनी चढ़ाई क्यों कर रखी है? मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ, झकझोरना चाहता हूँ, तुम्हें चोट लगे एक बार थोड़ी गहरी, तुम्हें संवारना चाहता हूँ कुम्हार की तरह, जैसे कुम्हार चोट मारता है ना, घड़े को संवारता है, तो तुम्हारे ऊपर चोट कर रहा हूं, तुम्हारा जीवन समर जाए। ओम कहने से तर जाएगा, योग करने से तर जाएगा, तेरा जीवन समर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, योग करने से तर जाएगा। ये एक राउंड हो गया 12 अभ्यास का, फिर मरकटासन और शवासन, फिर 2-3 राउंड ऐसे कर लेना। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम अच्छा जो कर जाएगा, काम अच्छा जो कर जाएगा। देखो ये मरकटासन, ये रिलैक्सेशन के लिए, इसको तेजी से करते हैं तो थाई बटक सिप्स का वेट भी कम होता है, शरीर हल्का हो जाता है। मरकटासन के 3 अभ्यास है, एक पैर पास में रख करके घुटने पंजे पास में, एक घुटने पंजों में फासला रख के दूसरा, और फिर तीसरा पैर उठा करके अपोजिट साइड में ऐसे लेकर के जाते हैं, ऐसे ऐसे पूरा रिलैक्स हो जाते हैं। तो किसके लिए योग हो गया बोलो? मोटापा के लिए। बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुछ समझ में आई बात? मोटापा के लिए भस्त्रिका, कपाल भाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये प्राणायाम भी जरूरी है। हाँ, थायराइड जिनको है उनके लिए उज्जायी भी, तो भस्त्रिका, कपाल भाति, उज्जायी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये प्राणायाम भी जरूरी है। हाँ, तो जो ऐसे करेगा बताओ उसको मोटापा रहेगा? नहीं रहेगा। मोटापे से परेशान है लोग। मैं तो कहता हूं देखो, डॉक्टर सभी नहीं हो सकते, जरूरत भी नहीं है, लेकिन सब योगी हो सकते हैं। आप योगी बनो पूरे, ऐसे जम करके पसीना आ रहा है खूब, है ऐसे सुबह एक बार पसीना पाया करो। मेरे साथ बोलो, थोड़ी देर की मेहनत, बोलो जिंदगी भर का सुख। कुछ लोग उल्टा बोलते हैं, थोड़ी देर का कष्ट
कष्ट क्यों है भाई? कष्ट होगा तुझे और तेरे बाप को होगा, हमको क्यों कष्ट भाई? थोड़ी देर का कष्ट कर लो सुबह सुबह, थोड़ी देर का कष्ट नहीं करो, सुबह सुबह थोड़ी देर का योग कर लो, थोड़ी देर की मेहनत कर लो, थोड़ी देर की मेहनत, जिंदगी भर का सुख, जिंदगी भर का स्वास्थ्य, जिंदगी भर की शांति, निश्चिंतता। नहीं तो 50-60 साल के बाद लोगों को देखो लड़खड़ाते रहते, ये मरा, ये गिरा, ये पड़ा, है बीपी, ए शुगर, ए हो गया हार्ट अटैक। जिंदगी भर की कमाई 50-60 साल के बाद गंवा करके चले जाते हैं, बच्चे तड़फते बिलखते छोड़ जाते हैं, घर बिक जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं, कर्जदार हो जाते हैं, कुछ बच्चों को दौलत दे करके जाते हैं, कुछ बच्चों को मुसीबत दे करके जाते हैं। आजकल ज्यादातर लोगों की हालत क्या है, 10-12 घंटा मेहनत करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, और 20-25-30 साल जो पैसा कमाया, फिर एक बार हार्ट अटैक हुआ, कैंसर हुआ, कुछ बड़ा ऑपरेशन हुआ लीवर किडनी का, सारा बर्बाद, कैसी बेवकूफी का काम किया। धन कमाने के लिए तुमने 12-18 घंटा मेहनत की, अरे तन को ठीक रखने के लिए 1 घंटा योग भी तो कर लेता बेवकूफ, मूर्ख व्यक्ति, पागल नादान, थोड़ा समझदार हो जा। बताओ अभी किसके लिए पैकेज बताया? मोटापा के लिए। चलो अब अगला पैकेज देखो, ऐसे एक एक पैर को ऐसे भी मोड़ सकते हैं और ऐसे दोनों पैरों को एक साथ भी मोड़ सकते हैं, वज्रासन में बैठ गए। अब डायबिटीज और पेट के लिए पैकेज, फिर कमर के लिए पैकेज, फिर बच्चों के लिए, फिर छोटे छोटे रोगों के उपचार की दृष्टि से आपको बहुत बातें बताएंगे। ऊपर से बालों के झड़ने से लेकर के आँखों के चश्मे से लेकर के स्किन से लेकर दांतों से लेकर पूरे शरीर में बीमारियां भरी हुई है लोगों के। और फिर मैंने बहुत खोज की, सारे शास्त्र पढ़े हैं लगभग, शरीर व्याधि मंदिरम। अब हमने तो ईश्वर सर्वभूतानम हृदय अर्जुन तिष्ठति देह देवालय शिवालय, भगवान का मंदिर, ये तो सुना था, बोले शरीर तो बीमारियों का घर है ना भाई, अंगूठा अंदर अंगूठे ऊपर, बीमारियों का घर नहीं, ये भगवान का घर है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। आगे झुको, डायबिटीज के लिए पैकेज है, थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। दूसरा अभ्यास, किसने जाने तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जाने तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, अरे ऋषि मुनि कर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। एक एक आसन से एक एक मिनट करना, एक एक बारी करवा रहे आज तो, एक एक मिनट दो दो मिनट करके एक एक आसन का कुल समय कितना है, जैसे प्राणायाम की एक आवृत्ति एक राउंड कितनी देर का, 5 मिनट का, ऐसे एक आसन का भी पूरा समय कितना है, 5 मिनट, तो पूरा लाभ हो जाए। पहले दिन से बीपी शुगर ठीक, पहले दिन से थायराइड कंट्रोल, पहले दिन से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, पहले दिन से वेट कम, पहले दिन से फायदा होता है, इंस्टेंट बेनिफिट होता है। चलो दोनों हाथों पर उठा, तू ही जल में तू ही थल में तू ही मन में तू ही वन में, तू ही जल में तू ही थल में तू ही मन में तू ही वन में, तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान, तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर
हाथों पर, ऐसे आधा मिनट से धीरे धीरे बढ़ा के एक मिनट, दो मिनट और दो तीन बार, पांच बार करके पांच पांच मिनट एक ही का अभ्यास कर लिया। मुंडोकासन, शशकासन, अब जो कर सके योग मुद्रासन, पांच आसन बैठ के पांच लेट के करेंगे, दस अभ्यास पेट और डायबिटीज के लिए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए, तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए, तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर नाले शान, तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर नाले शान। आगे थोड़ी टिक जाए और शरीर हल्का हो तो झूठी माया मूर्ख इसमें क्यों भरमाया, झूठे जग की झूठी माया मूर्ख इसमें क्यों भरमाया, कर जीवन का कल्याण बना मन मन पर मूर्ख वक्र से कर लो, शरीर संवर जाएगा, स्ट्रक्चर करेक्टर अच्छा हो जाएगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अच्छा हो जाएगा, देवालय शिवालय बन जाएगा, ये भगवान का मंदिर बन जाएगा, बीमारियों का घर नहीं है, शरीर व्याधि मंदिर नहीं है, शरीर तो भगवान का मंदिर है। तू हर गुल में बुलबुल में, हर डाली के हर पातन में, हर गुल में बुलबुल में, हर डाली के हर पातन में, हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर शान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो देह को देवालय बनाना है, मेरे साथ बोलो, तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, गोमुखासन। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप हूँ, परमात्म स्वरूप हूँ, अपने गुरु का, अपने पूर्वजों का, ऋषि मुनियों का, ब्रह्म सत्ता का, सत्य का, धर्म का, राष्ट्र का, पूरी मानवता का प्रतिरूप, मूर्त रूप। बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर। देखो आपको अभी हम डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस, बीपी, बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, मोटापा, मोटापा के कॉम्प्लिकेशंस, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर दूसरा पीछे, कितनी बड़ी बात है, सारी दुनिया को बताओ, बार बार बताओ। एक शब्द बोला जाता है आजकल, मैं थोड़ी देर इसी पर चर्चा करता हूँ, अभी बहुत दुष्प्रचार हो रहा है सारी दुनिया में, वैसे तो ये शब्द बहुत प्रचलित है, दुष्प्रचार, झूठी खबरें, उसको आजकल अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फेक न्यूज, झूठी खबरें फैलाई जाती है, झूठी बातों का प्रचार हो रहा है, भगवान के नाम पर झूठ सबसे ज्यादा बोला जाता है, धर्म के नाम पर झूठ, राजनीति के नाम पर झूठ, विकास के नाम पर झूठ, हां शिक्षा के नाम पर झूठ, चिकित्सा के नाम पर तो इतना झूठ है रे दुनिया में मेरे भाई,
विज्ञान के नाम पर अज्ञान, कितनी झूठी बातें फैलाई जा रही हैं और सच को झुठलाया जा रहा है, तो हमें क्या करना है? बहुत तरह का झूठ फैलाया जा रहा है घरों में भी। यदि झूठ थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से बोलने लगे तो घर बर्बाद हो जाएगी। माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, और आपस में गुरु चेलों से, चेले गुरु से झूठ बोलने लगे, बाएं पैर ऊपर तो बाएं हाथ भी ऊपर, तो दुनिया चलेगी नहीं भाई। झूठी और निराधार बातें बहुत फैलाई जा रही हैं संसार में, हर बारे में दुष्प्रचार हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है। हमें भगवान का यंत्र बनकर के सारे षड्यंत्र दूर करने हैं। ये आज का मूल उपदेश है आपके लिए। डायबिटीज के बारे में आप देखो, मैं थोड़ी देर चिकित्सा के बारे में, झूठ के बारे में बात करता हूँ। धर्म के बारे में तो शनि केतु राहु भूत प्रेत तंत्र मंत्र के नाम पर कितना झूठ बोला जाता है। हो गए 5 अभ्यास। अब डायबिटीज के लिए लेट करके अभ्यास है, लेट जाओ। डायबिटीज और पेट के लिए लेट करके अभ्यास बता रहे हैं सबको। डायबिटीज के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, डायबिटीज क्योर नहीं होती। वैसे तो सभी बीमारियों के बारे में, बीपी क्योर नहीं होता, थायराइड क्योर नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल क्योर नहीं होता, हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर किडनी की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, सोरायसिस, जो भी बीमारी एक बार होगी क्योर नहीं होती। पवन मुक्तासन करो। देखो हमें वक्त लगेगा, लेकिन मेरी कोशिश तो होगी आने वाले 25-50 सालों में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेड ऑफिस अमेरिका से भारत में शिफ्ट कर दे। अभी उनके पास ज्यादा पैसा है, उनके पास में इकोनॉमिक पावर है, पॉलिटिकल पावर है, उनके पास में साइंटिफिक पावर भी है भाई, बहुत कुछ उन्होंने मेहनत की है, तो क्या करें। हमारे वाले थोड़े प्रमादी हो गए थे, जब हमारे पूर्वजों ने पुरुषार्थ किया था तब हम जगत गुरु विश्व गुरु थे, अब तो खाली नारे लगाते हैं, भारत माता की जय, अभी तो खाली नारे लगाते हैं, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे, नारे लगाते हैं, खाली गीत गाते हैं। अभी तो अभी हो नहीं रहा है भारत परम वैभवशाली, लेकिन बनेगा पुरुषार्थ से। दोनों पैर पास में उत्तान पादासन, एक बहुत गहरा शब्द बोल रहा हूं, ये षड्यंत्रों की तो बात करूंगा, ये दुष्प्रचार जो झूठ फैलाया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत झूठ है, उस झूठ का पर्दाफाश करना है।